विद्युत मीटर रीडरों की कई दिनों से चल रही हड़ताल बुधवार को विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के आपसी समझौते के बाद समाप्त हो गई, जिसको लेकर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, बीसीआई टीएस कंपनी के हेड एडवर्ड बर्न, विद्युत विभाग के अभियंता इंजीनियर ए के सिंह, इंजीनियर मुदित तिवारी, इंजीनियर डी पी यादव, राधे कृष्ण तिवारी, विद्युत पंचायत मजदूर यूनियन के सचिव संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और मीटर रीडर मौजूद रहे। बैठक में विद्युत मीटर रीडरों की मांगों पर विचार विमर्श किया गया और उनकी सभी मांगों पर सहमति बन गई और वे बुधवार से काम पर लौट गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीसीआई टीएस कंपनी के हेड एडवर्ड बर्न, विद्युत पंचायत मजदूर यूनियन के सचिव संदीप श्रीवास्तव और एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने कहा, नहीं हो रहा है तो सुपरवाइजर बैठ के उसको निकाल के हमें भेजेगा, उसके बाद हम कर पाएंगे। ईएसआईवी सबका हो गया है, ये टेम्पररी सर्टिफिकेट है जो आज ही आपको दिया जाएगा, इसे लिख के संग सुपरवाइजर को दे दीजिए ताकि हम उसे ऐड कर सकें। बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स है ईएसआई का, ऑल फ्री बेनिफिट्स जो हम चाहते हैं कि एक एक एम्प्लॉय उसका यूज करे इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये फॉर्म्स अलॉन्ग विद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, आप चेक करके आधार के हिसाब से अगर आप घर ले जाना चाहते हैं आज चेक करके कल या परसों तक सुपरवाइजर को वापस कर दीजिए। आधार के हिसाब से आपका फैमिली का जो नाम डेट ऑफ बर्थ जो है वो ही डालिएगा, कोई और सर्टिफिकेट और दूसरा देख के नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर ईएसआई का डेटाबेस में एक्सेप्ट नहीं होगा। फ्रेश प्रिंट आउट आपको दिया जाएगा, करके सुपरवाइजर साइन करेगा, आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद आपको एक 7B और फॉर्म 37 फॉर्म दिया जाएगा जो वर्कशॉप रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ जानना है हर रीडर सुपरवाइजर के लिए। इसके लिए ये पीएफ और ईएसआई के लिए अलग से हम वर्कशॉप रखेंगे। ये जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आप ये कंफर्म करेंगे कि कंपनी के तरफ से किसी ने आपसे एक भी पैसा नहीं लिया है, और ना ही आपका जो हार्डवेयर जो हमने दिया है उसका डिपॉजिट के लिए हमने पैसा लिया है। बिकॉज इस चीज के लिए वी आर वेरी अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। ट्रेनिंग क्रॉस ट्रेनिंग होते रहेगा, मीटर्स के लिए अगर किसी को भी ट्रेनिंग चाहिए हमें बताइएगा, थ्री फेस बिलिंग के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए होता है तो हम फिर एक वर्कशॉप टाइप का ऑर्गेनाइज करेंगे। और कोई भी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस आपके पास जो फोन्स है उसमें कंज्यूमर का डिटेल्स होता है, सुपरवाइजर के पास जो लैपटॉप डेटाबेस है उसमें कंज्यूमर का डिटेल्स होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर कहीं शेयर नहीं होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, ये सबको बोला गया है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। वो रीडर्स कंडीशन मेन जो है जिसके लिए ये काम जो है मेन 20 डेज में ख़त्म होना है, जब से आपके पास जब डेटा आएगा। अर्बन में इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, अगर 5 तारीख को डेटा मिलता है 25 तारीख को काम खत्म होना चाहिए। आपका टारगेट रिड्यूस कर दिया हमने एज पर अग्रीमेंट, 2000 टारगेट है अर्बन के लिए पर हमने उसे घटा के 1500 कर दिया है। 1500 भी जो है कुछ क्वेरीज थे इनका, कोई बड़ा कोई इशू नहीं था इनका। पीएफएसआई भी जो है ऑलरेडी हमने पहले से ही दिया हुआ था, जो भी एरियाज हो वो था सब हमने क्लियर कर दिया है, विच क्योंकि इनिशियली जो है थोड़ा डिले हो गया था, दैट एनीवे विल बी क्लियर्ड। सैलरी टारगेट सब इशू डिस्कस हुआ है, क्योंकि वैसे अर्बन का टारगेट एज़ पर ऑर्डर जो है 2000 है, पर हमें क्वालिटी बिलिंग चाहिए इसलिए हमने हर जगह हर अर्बन में टारगेट घटा दिया है। इनका टारगेट अभी 1500 है, तो क्योंकि हमें अच्छा क्वालिटी बिलिंग चाहिए तो, और काम भी जल्दी ख़त्म होना चाहिए, हम 20 दिन टाइम दे रहे हैं काम ख़त्म होने के लिए। यहाँ पे गोरखपुर में बहुत सारे कंज्यूमर है जिसे बिल भी नहीं मिलता है, तो इन सब के बारे में भी वर्कशॉप हम करेंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब लेके हम फिर 2-3 वर्कशॉप हम करेंगे सबके साथ। ओवरऑल एज ऑफ नाउ जो भी क्वेरीज है वो था सब डिस्कस हो गया है एंड थिंग्स आर नॉर्मल एज ऑफ नाउ। यह एज प्रॉमिस दे अभी काम पे जा रहे हैं लोग, अभी कुछ डॉक्यूमेंट है वो साइन करके अभी काम पे निकलेगा सब। इनफैक्ट कल से ही जाना था, कल से भी इन लोगों ने जाना शुरू कर दिया है और आज भी फुल फ्लेज्ड ये लोग काम पे जाएगा। संदीप श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सचिव विद्युत मजदूर पंचायत गोरखपुर। सहमति मीटर रीडर्स
इसका जो कार्य बहिष्कार चल रहा था वो कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब के बीच में ही वो समापन कर लिया गया था समझौता के अनुसार पे, और इन्होंने जो भी कहा वो शर्तें सब मानी हैं मीटर रीडरों की। इनका ज्वाइनिंग लेटर आज दे रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और हमारे चारों डिवीज़न के एक्सीडेंट्स बैठे हुए थे। इन लोगों के बीच में सहमति बनी है, 1500 टारगेट दिया गया है बिल निकालने का, और वो सुपरवाइज़र इनको डाटा देगा 1500 उतना ही निकालेंगे और उसी आधार पर इनको सैलरी मिलेगी और इनका EPF, USI ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दिया है। हाँ, जो इनका EPF वगैरह 5 महीने 6 महीने से नहीं मिलता था वो ये कहे हैं कि हम इसको बाई हैंड इनके कैश इनके खाते में डालेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें इनका जो मतलब दिक्कत था ये सारी विद्युत मजदूर पंचायत के बैनर तले इन्होंने लड़ा और इनको जीत हासिल हुई। इसके लिए हम जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं और कंपनी के लोगों को। कुछ संशय था हमारे मीटर रीडर्स को समय से वेतन न मिलना और उन्हें काम का टारगेट न मिलना, जैसे 1500 बिलिंग उन्हें करनी है पर मंथ तो 1500 से कम मिल रहा है तो उनकी तनख्वाह कम हो जाती है, यही सब समस्याएं थी जिसको लेके वो परेशान थे और उन्होंने हड़ताल की थी। अब उसको सलूशन हम लोगों ने कंपनी को बुला के सभी को नियुक्ति पत्र दिलवा रहे हैं और सभी का इंश्योरेंस ESI बीमा सब करवा रहे हैं और उनको सब फॉर्म दिए जा रहे हैं और समय से वेतन भी उनको दे दिया जाएगा और समय से इंफॉर्मेशन उनकी फीडिंग की सुपरवाइज़र दे दे, इसके लिए सुपरवाइज़र को निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि इनको पैसे मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो समस्या का समाधान कर लिया गया है, सभी लोग अपने काम पर वापस आ गए हैं। हाँ, 1500 की इनको बिलिंग करनी होती है तब इनको 8375 रुपये इनको भुगतान होता है, जिसमें से ESI और इनका PF वगैरह काटते हुए इनको 6035 रुपये का भुगतान पर मंथ किया जाता है, और जब ये 1500 से ऊपर कर लेते हैं तो इनको इंसेंटिव दिया जाता है पर बिलिंग के लिए, 3.75 रुपये है वो इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है अगर काम से ज़्यादा करेंगे तो। हाँ,